यहाँ पर जैसा कि अभी हम देख रहे हैं काफी बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं इस मार्केट में, या गैप अप ओपनिंग हो रही है काफी बड़ी, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है काफी बड़ी। तो यहाँ पर कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगता है कि भाई कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को हम खरीद के चले जाते हैं, तो यहाँ पर वो कॉल और पुट ऑप्शन दोनों को खरीद लेते हैं। जबकि यहाँ पर जो मैं प्रिफर करता हूँ कि अगर हमें लगता है मार्केट में एक बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, अगले दिन कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है या कितने नीचे मार्केट खुल सकता है, तो क्या कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेटर रहेगा? मैं ऑप्शंस को सिर्फ खरीद के काम करना चाहता हूँ, शॉर्ट सेल करके नहीं करना चाहता। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा और उस कॉम्बिनेशन को आप डेफिनेटली डीपली एनालाइसिस करिएगा। अब यहाँ पर मान लो मुझे लगता है कि कल मार्केट में निफ्टी में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो यहाँ पर मैंने देखा निफ्टी 10,000 के लेवल पर चल रहा है, तो 10,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, ATM कॉल ऑप्शन मान लो 200 रुपये का चल रहा है, उस कॉल ऑप्शन को मैंने 200 रुपये पर खरीद लिया। एक लॉट कॉल ऑप्शन का मैंने 200 रुपये पर खरीदा। अब यहाँ पर 200 रुपये का प्रीमियम मुझे पे करना पड़ा उस कॉल ऑप्शन को खरीदने में। अब यहाँ पर मैं एक पुट ऑप्शन नहीं खरीदता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ आउट ऑफ मनी में कौन से स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 100 रुपये के आसपास चल रहा है। मान लो मुझे लगा 9,800 स्ट्राइक प्राइस का पुट 100 रुपये पर है, तो वहां पर उस पुट के मैंने 2 लॉट यहाँ पर खरीद लिए। अब यहाँ पर पुट जो मैंने खरीदे उसमें भी मैंने 200 रुपये का प्रीमियम पे करा उस पुट को खरीदने के लिए। मुझे लगता है मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, तो यहाँ पर मेरे पास 2 पुट ऑप्शन हैं, एक कॉल ऑप्शन है। अगर मार्केट में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो मुझे एक बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास 2 लॉट पुट हैं और 1 लॉट कॉल है। कॉल में डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन 2 लॉट पुट होने की वजह से मुझे एक काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ये तो हुआ पहला सिनारियो। अब मान लो दूसरा सिनारियो, मैं गलत हो गया। अब दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होने की जगह काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई, तो यहाँ पर जो मैंने ATM कॉल ऑप्शन खरीदा था वो ITM हो जाएगा, और अगर वो कॉल ITM हो गया तो लाइक ए फ्यूचर रिएक्ट करेगा, उसके बढ़ने की स्पीड काफी ज्यादा रहेगी, और जो मेरे पुट मैंने ले रखे थे वो आउट ऑफ मनी पुट थे, उनकी गिरने की स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितना मेरा ATM कॉल ऑप्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं सही होता हूँ तो एक काफ़ी बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी, और यहाँ अगर मैं गलत होता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी कम ज़्यादा हो मेरे पास पूरे चांसेस रहेंगे इस पोजीशन में से बाहर निकलने के, एक नॉमिनल लॉस पे या किसी भी प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, जब काफ़ी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, काफ़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी लगे तो ATM कॉल को बाय करा, हाफ प्राइस के 2 लॉट पुट को बाय करा, और अगर हमें गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी लगे तो ATM पुट को बाय करा और हाफ प्राइस के 2 लॉट OTM कॉल को बाय करा। अगर फेवरेबल डायरेक्शन में मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो काफ़ी बड़े रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पर या तो एक माइनर लॉस या अनलिमिटेड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, क्योंकि अपोजिट पोजीशन में डाउन साइड लिमिटेड है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।